स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। आप ठीक जान रहे हैं कि यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम मेहनत करके लाखों कमा सकते हैं, मेहनत करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो बच्चे देश का भविष्य होते हैं, बच्चे का स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं रहेगा तो हमारा देश का भविष्य क्या होगा। तो दोस्तों, इसी से संबंधित एक संकल्प जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जो झारखंड के विद्यालयों से संबंधित है, विद्यालय के बच्चों से संबंधित है, विद्यालय के बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। तो आइए, इसके पहले हम आपको नमस्कार करते हैं, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। झारखंड के विद्यालयों में चलेगा स्वास्थ्य अभियान, झारखंड के स्कूलों में चलेगा स्वास्थ्य अभियान। तो 22 लाख बच्चों को होगी, जिसमें से 10,15,400 किशोर तथा 11,78,699 किशोरियों की संख्या है। किशोर और किशोरियों को स्वास्थ्य की देखभाल किया जाएगा। तो इसके तहत झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य विद्यालय, झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। अभियान का नाम है झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान। इसके तहत राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, रेफरल जांच तथा आवश्यकता अनुसार तृतीय देखभाल प्रदान की जाएगी। इसी संबंधी एक न्यूज है, आइए बताते हैं। झारखंड के विद्यालयों में होगी स्वास्थ्य जांच का अभियान। राज्य भर के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत सभी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ने वाले बच्चों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जाएगी। जांच में बीमारियों का पता चलने पर उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बाबत संकल्प जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर किशोरियों का समय पर स्वास्थ्य जांच नहीं हो पाती है, जिसके कारण दृष्टि दोष, कान की बीमारी, टीबी, एनीमिया, स्वास्थ्य रोग, घेंघा रोग, फ्लोरोसिस इत्यादि बीमारियों का पता समय पर नहीं चल पाता है, जिससे काल कर्म में उनके जीवन में कई चुनौतियां उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा विभाग के सहयोग से चलेगा अभियान। स्वास्थ्य की बात हो, वो भी बच्चों के स्वास्थ्य की बात हो, और बिना शिक्षा विभाग से नहीं हो पाएगा, इसलिए शिक्षा विभाग की सहायता से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किशोर किशोरियों की स्वास्थ्य जांच के लिए शिक्षा विभाग के समन्वय से यह अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा विभाग से समन्वय बनाकर इसे निश्चित समय सीमा में पूरा किया जा सकता है। बच्चों में ससमय बीमारियों की पहचान कर उसका निदान किया जा सकता है, ताकि बीमारी बढ़ने से पहले उसकी रोकथाम की जा सके। तो इस तरह से झारखंड के स्कूलों में चलेगा स्वास्थ्य अभियान। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सूचना अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक आप हमारे चैनल बने रहें। धन्यवाद।